है कि आज से भैया की शादी के फंक्शन चालू, लोग जा रहे हैं माता पूजन के लिए, झंडी पकड़ के जाएंगे पैदल। हमारे प्यारे दूल्हे की मम्मी है, देखो आज पुनीत भैया बड़े बिजी है। जैसे आपको पता है कि आज से भैया की शादी के फंक्शन चालू हो रहे हैं, और आपको याद नहीं हो तो मैं अभिषेक भैया की बहन माही, और अभी हम लोग जा रहे हैं माता पूजन के लिए। सब तैयार व्यार हो चुके हैं, बाहर सब वेट कर रहे हैं, थोड़े फैमिली मेम्बर्स नहीं आए हैं, तुम सबका वेट हो रहा है, तो चलिए बाहर चल के देखते हैं। उन सबको ढूंढा जा रहा है, ये लोग अभी अभी आ रहे हैं। कार के ये कार में जाएंगे, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, हमें मना कर दिया, हम पैदल आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रानी कैसा लग रहा है भैया की माता पूजन में? अच्छा लग रहा है। अरे ये हमारे प्यारे दूल्हे की मम्मी है, देखो कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ज्यादा। तो इतने सालों बाद ये मौका आया है, बड़ी मुश्किल से आया है, बहुत इंतजार करा। सही बात है, जल्दी चल के आ गए, अब हमें धीरे धीरे चलना पड़ेगा। निकल, अरे ये दूल्हे राजा के भाई हमारे अनु शर्मा जी, नंगे पैर हम लोग। अभी करेंगे यहाँ बैठ के पूजा देवी जी की। जो हमारी पूजा स्टार्ट होने वाली है, अच्छा वेडिंग स्टार्ट होगी।
पूरी फैमिली इकट्ठी हो चुकी है, बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली बार शादी हो रही है। पहली बार ही होती है शादी? एक ही बार ही होती है आई होप। हाँ तो, और ये आंटी यहाँ कंडा कंडा कर रही है हवन के लिए। अभी ने फिर से कुछ करने बुलाया गया है। आप सब धीरे धीरे पूजा करेंगे। ये बहुत बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है यहाँ। इन्हें ही फोटो खींचनी है, सब करना है इन्हें। कैसी है श्री? श्री सो रही है। श्री लेट हो गई थोड़ी सी, तो भैया उससे बातें कर रहे हैं। खुश और पूछा सर, ये कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। डे फर्स्ट हमारी माता पूजा स्टार्ट होने जा रहा है, सब फिर लगे हुए हैं। बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को। सबसे एक्साइटेड बात ये है कि अभी ऑलिव के यहाँ पर शुरू नहीं हुई है, पता नहीं ऑलिव के यहाँ पर अभी यहाँ से दो तीन ये हमारा कैमरा मैन जाने वाला है, उसके बाद वहाँ स्टार्ट होगा। फाइनली माता पूजन हो गया है हमारा, माता जी को इनवाइट कर लिया है। आज से वेडिंग प्रॉपरली चालू। ये सभी बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं, सभी घर वाले जा चुके हैं ऑलरेडी, आगे गाड़ियां जा रही हैं और उसके बाद कुछ गाड़ियां पीछे हैं। तो अब मैं सीधे घर जा रहा हूं और ऑलिव के यहाँ पता नहीं क्या अभी माहौल होगा, क्योंकि उसका थोड़ा सा लेट था फंक्शन, तो अभी जस्ट वहाँ पर भी स्टार्ट होगा। देखते हैं पहले वहाँ क्या चल रहा है। बार बार
हम फेब में भी नहीं सोते ना एग्जाम के चक्कर में। पानी का वजन तो नहीं लग रहा है। मीन का मीन का मतलब होता है कि मतलब, और मैं हूँ कम मतलब वाला, कम मीन। पलंग के रखिए संतुलन के बाद।